का भाई पहुंच गया है हंगरी में बुदापेस्ट और सारी पुरानी बिल्डिंगें हैं ये आप लोगों के लिए क्योंकि आप सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो एक गांधी की चुम्मी लिया मैंने के सबके स्टैचूज ऐसे बनाए हुए हैं उन्होंने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? फिट फाट हो? जब अपने भाई को ऐसे देख लो ना कि जोंग पोंग हुआ हो तो फिर तो आप समझ जाते हो कि आपका भाई कहीं ना कहीं जा रहा है। मैं जा रहा हूँ हंगरी, तो अभी मैं एयरपोर्ट में हूँ। देखो सूरज भी निकल रहा है, सुबह की फ्लाइट मिलती है क्योंकि सस्ती मिलती है और ये रायनेर जहाज ये ऐसी है जैसे कोटले की बसें चलती है। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड इस तरह के, जब मैं यूके में नया नया स्टूडेंट आया था तो मैं उनके पास रहा था और देखो आज 8-10 साल हो गए, वैसे ही हमारे ताल्लुकात बहाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो चले गए पहले एक दिन और मैं आज जा रहा हूँ, तो उधर जाकर उनको भी मिलूंगा। आज सिर्फ मैं जी 2 दिन के लिए रहा हूँ, आज ट्यूसडे और थर्सडे को हमारी वापसी हो जाएगी, हम आएंगे इकट्ठे ही, बस वो एक दिन पहले चले गए। आपको भी हंगरी में मिलेंगे, 2 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट है, छोटी छोटी फ्लाइटें होती हैं यूरोप की और मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ और घुमा फिरा कर। शेरो आपका भाई पहुंच गया है हंगरी में बुदापेस्ट। अभी बस की तरफ जा रहे हैं ताकि हम बुदापेस्ट सेंटर में जा सकें जिधर मेरे दोस्त रहते हैं। पैसे मैंने इधर निकलवाए और देखो 20-20 हज़ार के भी नोट हैं इधर, लेकिन ईरान में तो नहीं, मैं आ गया ईरानी तुमन पकड़े में ऐसे लगता है। हंगरी की जो मेन सिटी है उसका नाम बुदापेस्ट है और इधर 23% इधर जोश की पॉपुलेशन है हंगरी में। तो अभी बस की तरफ चलते हैं। साथ ही फ्रॉड हो गया, कटो मनु इतो मनु नहीं पता। एक तो लैंग्वेज बैरियर है इधर इतना कि मैंने ये टिकट लेनी थी, टिकटें सेम ही दोनों, मैंने ये ले ली और ये 1 पाउंड की मिली ये वाली और ये 5 पाउंड की। दूसरी टिकट हमने ली थी उसको हम इस्तेमाल करेंगे मेट्रो में क्योंकि आगे हमने मेट्रो भी पकड़ ली। सफ़र करके मैं ट्रेनों में खजल और जलील हो के आपका भाई खुद बताते खुद पहुंच गया इधर होटल के पास। अभी दोस्तों के पास जाएंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे फिर इधर से निकलेंगे। मजे की बात बताऊं, दांत मैं फिर ला लिया। देखो मैंने अपनी टिकट इस्तेमाल ही नहीं की, इसको अब करेंगे वापसी पे इस्तेमाल। तो ये अच्छा हमने कि हमने पाकिस्तानी होने का सबूत दे दिया है कि हम किस तरह के छोटे मोटे दाल लगा लेते हैं और पूरे 1 पाउंड की हमने बचत की है। तो इस टिकट को भी संभालते हैं क्योंकि ये भी वापसी में काम आएगी। A few hours later. खाना हमने खा लिया और अभी हम निकल गए हैं सही बाहर। अभी हम जा रहे हैं बुद्धा कासल और मेरे साथ मेरे वही 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं आपको दिखा दूं। मियां साहब कैमरे में हाथ लाओ, मियां माजिद और राजा सियाब साहब, ऑल द वे फ्रॉम मीरपुर और लाहौर से। बस पैदल जा रहे हैं क्योंकि पैदल ही सिटी एक अच्छी तरह घूमनी होती है, वैसे आपको फ़ायदा नहीं मोटर बाइक या ऐसी ट्रामे भी इधर चल रही हैं लेकिन ट्राम पे फायदा नहीं। ये है कि इधर ये देखें सारा ओल्ड स्ट्रक्चर, कोई नई चीज़ नहीं है इधर, बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग है क्योंकि कहा जाता है कि हंगरी में जो बुदापेस्ट सिटी इन द यूरोप है, 3 सिटीज़ को मिला के ये एक सिटी बनी थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 23% पॉपुलेशन है जो इधर यूज की है और इधर की नाइट लाइफ भी बड़ी फेमस है और ये मुल्क सस्ता भी। इधर की जो करेंसी है ना वो बहुत बड़ी है क्योंकि यही समझा आप ईरान के तुमन इस्तेमाल कर रहे हो। और ये राय साहब अभी कह रहे हैं कि मैं 1,00,000 रुपया ला देता है। राय साहब अपने पैसे दे बखाओ, लौट जाती ना करो। ये देखो राय साहब 1,00,000 रुपये, देखो कैसे उन्होंने छुपा के रखे हुए हैं, 500-500 के नोट, 1,000 के नोट, 5,000 के नोट। और अभी हमने खाना खाया 16,000 रुपये का, 20,000 का नोट था, मैंने समझा 2,00,000 का नोट है। तो ऐसे ही समझो जैसे ईरान के तुमन आप इस्तेमाल कर रहे हो। कासल के पीछे आ गया बुद्धा कासल, तो ये भी पौड़ियाँ हमने चढ़नी। हमें टेंशन है कि राय साहब की कमर में दर्द ना हो जाए, ये जो हमने सीढ़ियाँ ऊपर जानी है, पौड़ियाँ नहीं मैं अभी कहता, कमर नहीं कहते, लक्का ही लक्का में दर्द ना हो जाए। मियां साहब ने अभी हमें कहा कि जी हंगरी यूरोप में तकरीबन 1 पे आता है जी इनका जो आर्किटेक्चर, और वाकई अभी मियां जी की बात पे मुझे यकीन होना शुरू हो गया। तो अभी ये देखते हैं इधर, पता नहीं टिकट लेनी है या क्या, कोई पता नहीं। इन्फॉर्मेशन पॉइंट है ना, मियां जी पूछो तो ठीक है। We have to buy a ticket or is free? No, it's free to go up. Oh, thank you. तो जी किस्मत ने साथ दिया ये फ्री है, तो अभी हम ऊपर जाते, नहीं तो हमारे फिर 1,00,000 रुपये लग जाने थे। इधर से भी ऊपर जाना लिफ्ट में, अभी हम लिफ्ट से बाहर आ गए लेकिन मियाँ जी हमें कह रहे हैं कि ये हमें लिफ्ट ने चाया और ऊपर पटका। अरे कहना क्या चाहते हो? मियाँ जी के वो नक्शे भी आ गए हैं जी, मियाँ जी कह रहे हैं 1 इन द यूरोप ही आते हैं इनके जी, ये सिस्टम जो इन्होंने लगाए हुए हैं पुराने ज़मानों की, जो इन्होंने कंधे बनाई हुई हैं। ये जो कासल है ये जी, ये हंगेरियन जो किंग था उसने ये अपने लिए बनाया था, 1263-1265 में बना, काफ़ी पुराना कासल है, बहुत कपास वहाँ चक्की फिर दिया कासल। चेक करो क्या बात है मियाँ जी, तुसी की कह दिता है वो नक्शे की गल, डिजाइन वाली वो तो गल हूँ सच्ची होने लग गई है कि वाह जी वाह, ये है ही असी वेखना है ये शेर एक बारी फिर, मियाँ जी साड़ी वारी आन दो, क्या बात है, तब की ये बनी हुई है चीज़ें और आज भी पायदार है। बहुत बड़ा ये उसने किला बनाया था देखो, और मियाँ जी गल समझ नहीं आई, रहा एक कमरे च होना है तो एड्डा वड्डा कासर,
किधर नवाज शरीफ तो नहीं सी स्टाफ किधर रहेगा? ये स्टाफ है बाकी सब। अच्छा स्टाफ के लिए इतने इतने कमरे इसने बनवाए थे? ये पाकिस्तानी हुक्मरान थोड़ी है, ये स्टाफ का ख्याल रखते हैं। बस इधर ही फिर हम नौकरी करेंगे इसके पास। मियां साहब इस टाइम फुल फोटोग्राफर ना बड़ा उखा लिया मैं पूरे इस टाइम जी पूरे ऐसे गोप्रो बने हुए हैं। कुछ एग्जीबिशन है तो ये भी अंदर जाके देखते हैं। ग्लासेस चेक करो भाई की, पूरा जोंक पे लग रहा है। ये चेक करो एनका लाल, ये नेरा हो गया ना जी। नहीं फिर नहीं है, चंगी जगह ही नहीं चंगी है। नहीं नहीं हम इधर से जा रहे हैं तो टिकट लेने पड़ते हैं। ये देख लाखों रुपया लगाना पड़ जाना हमें। कप देखो, एग्जीबिशन ही होना, कोई पुरानी चीजें ही होनी है, इसकी होनी है ताजी हूं जी, कोई शाम होनी है फजूल दी होनी है। टीवी देख लो की होना वा, देखो फर्नीचर वगैरह पुराना पे है बस। गार्ड हाउस ये वाला घर है और इसकी भी कोई हिस्ट्री है। ये गार्ड हाउस की भी कोई हिस्ट्री है मुझे नहीं पता, जो कि मैं इतना आपको डीपली नहीं बताऊंगा। ये देखो इधर आप रेस्टोरेंट में बैठो, जिंदगी का लुत्फ लो, ये सालमन सुलमन भी खाओ। और देखो हजार रुपए लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे आपको शरबत खाली 3000 रुपए का। चेक करो क्या बात है, क्या बात है, कुत्ता भी बने हैं जो देखो। ओ कुत्ता बने, एक पानी पीने लगे हैं। ये देखो जी हमें कवा भी मिल गया, कौन कहता है कहाँ चिट्टा नहीं है, देखो चिट्टा भी है। ये भी हम ऊपर आए हैं और ऊपर से आपको सारा व्यू दिखाएंगे। हंगरी की नाइट लाइफ भी बड़ी फेमस है, वो भी कोशिश करूंगा मैं आपको दिखाऊं। और ये चेक करो, ऐसे लगता है नकली बादल पड़ेंगे और सारी पुरानी बिल्डिंग है। ये मुल्क गरीब भी है, इतना अमीर नहीं है, है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है लेकिन गरीब है, कोई अमीर मुल्क नहीं है, हमारे पाकिस्तान की तरह अमीर नहीं है। भैया हम जा रहे हैं दूसरी टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक जगह नाम उसका नहीं पता, कोई हंगरी में कल्ला मतो कतो लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता नाम क्योंकि मुझे पता नहीं है। वो भी ऊपर से एक बहुत अच्छा व्यू आता है और अच्छी जगह, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि दिन हमने जाया नहीं करने और ना टाइम जाया करना, हमारे पास सिर्फ 2 दिन है। देखो ये मुल्क आगे क्यों ना जाएं हम, ये सारी जब देखो पहाड़ी छोटी सी, ये हम ऊपर आए हैं और देखो इन्होंने साथ पानी का सिस्टम भी बनाया हुआ है कि आप पानी पिए क्योंकि आप थक गए हो। वाह मियाँ जी नलके की याद आ गई, पानी पियो तुम ज़रा। चेक करो टॉयलेट्स भी बनाए हुए हैं, वो हम वो जिधर वो ब्लू गुंबद है उधर से हम आए हैं और अभी हमने ये ऊपर जाना है। ऊपर हम आ गए और हमने तो कहा था पता नहीं कितने बड़े बड़े स्टैचू होंगे। और इधर देखो ये देखो, ये मेरे दादा से वो जो प्रिंस होगा, ये क्वीन का सारा इलाका होगा। मैंने कहा पता नहीं कितने बड़े स्टैचू होंगे। सामने व्यू देखो यार, वो भी उस पुल पर भी जाना है, ये इनका बहुत फेमस ब्रिज है। फिर आगे हम हीरोज़ केयर जाएंगे और हम आए सांस देखो फूले हुए, सांस के तो फूले हैं, साढ़े फूले हैं, साढ़े फूले ने सारी मीं की वापस इंग्लैंड छाडा हुए। और ये मियाँ साहब कारकर्दगी दिखाते हुए मौत के खूह की फोटोएं खींच रही हैं। और ये कोई लगता है बुद्धा शुद्धा है, वो देखो उनकी दाढ़ियाँ और उनके जो चेहरे हैं ना, ये देखो ऐसे ही लगता है। और ये देखो ये सजदे में गया हुआ है। ओए मियाँ जी छह ही नहीं तुसी ना जी नोट की, वो देखो गांधी, महात्मा गांधी, गांधी से भी मुलाकात हो गई। देखो मेरे पीछे अब गांधी खड़ा हुआ, मेरे इतने ज़्यादा इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं तो गांधी की एक चुम्मी तो लेना बनती है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो एक गांधी की चुम्मी ली है मैंने कि आप लोगों को प्यार भेजा जा सके। चलते चलते बाबे के आगे नहीं तो लेकिन बाबे के पीछे हम आ गए हैं, वो देखो वो स्टैचू है सामने और इधर हम आ गए हैं, ये नीचे हम आ गए हैं और ये बाबा क्रॉस लेके खड़ा हुआ है। चेक करो यार क्या बात है, पाकिस्तानी होने का सबूत हमने दे ही दिया मैंने और राय साहब ने। देखो बिल्कुल स्टैचू के नीचे हम इधर से ऊपर आए हैं और माई भी देखो कितनी खुश है। और चेक करो व्यू यार क्या बात है, और इधर मुंह देखो जी बनेरे पे बैठे लमकी होंगी। हम इधर से जाएंगे नीचे क्योंकि बहुत मुश्किल से हम ऊपर आए और अभी हम जाएंगे नीचे और आगे जाएंगे हीरोज के। नीचे आ गए गोरे भी हैरान हो गया, कौन सी मखलूक आ गई जेडी साडा बाबा ही ना उतू ला के लाया जाए वो जो स्टैचू ऊपर अभी हम देख के आए हैं आपको दिखाया है उधर से, ये देखो ये चश्मा आ रहा है नीचे। मैं तो यही कहूँगा हंगरी आओ, बजट कंट्री है, कपल आए या कोई भी लड़के आपस में आए, बजट कंट्री है, सस्ती भी और घूमने वाली भी है। चेक करो हम अभी आ गए हैं जो बुदापेस्ट का टाउन सेंटर है मेन, उसमें भी हम अंदर ये देखो बस आ गए हैं, घुस रही हैं हम क्योंकि आज तो हम हर जगह ही घुस रहे हैं। तो ये आगे हम जाएंगे हीरोज के। और यार ये देखो वो ही इनकी पुरानी बिल्डिंग है, सारी पुरानी बिल्डिंग है। मियाँ जी मगरमच्छ भी है जी, कैंगरू लेग स्टेक। और ये देखो पहलवान भी है इधर, ये देखो इनका टाउन सेंटर यार, कोई शोर ही नहीं, कोई कुछ नहीं। चेक करो
मसाज सेंटर भी अगर आप चल चल के थक जाते हो तो। अभी हम जा रहे हैं हीरोज के अपनी लारियों पे, ये हमने लैम्बोर्गिनी अभी नई नई निकलवाई है, वो राय साहब की है, ये वाली मेरी है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ मोबाइल में ऐसे आपने ऐप डाउनलोड करनी है और इधर स्कैन करनी है और बैंक की डिटेलें दे देनी है, ये चल जाएगी। और जब आपने ख़त्म करनी है तो बस ऐसे किसी भी पार्किंग में खड़ी कर दो, आपसे पैसे वो अकाउंट से काट लेंगे। तो वो दूर है थोड़ा हीरोज केयर, इसलिए हम इस पे जा रहे हैं, तभी उधर जाके आपको मिलते हैं। चल चल के लता काट काट के हम फाइनली हीरोज केयर। और ये हीरोज केयर जी क्या, ये एक मॉन्यूमेंट है, इन्होंने जी अब कह लेके अपने जो बंदे हैं उनके ऑनर में इन्होंने जी वो बनवाया, जैसे इनके लीडर्स थे, इनके कोई मिलिट्री के कह लें उनके लिए इन्होंने जी ऑनर में उनके स्टैचूज बनाए हैं। तो ये वो जगह है, चेक करें, ये उनके सामने वो स्टैचूज हैं। एक चीज़ इनमें है कि जब ये अपने मुल्क के लिए कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं, और देख लो जिन्होंने किया हो आज भी उनको ये याद रखते हैं माशाल्लाह। और ऐसे ही ये मुल्क तरक्की करते हैं, सारे लीडर्स उनके जो भी हैं, लीडर्स हो गए हंगेरियन पार्लियामेंट के या आर्मी के या कुछ भी, सबके स्टैचूज ऐसे बनाए हुए हैं उन्होंने। कुछ चीज़ें रहती है वो भी हम कल देखेंगे, तो वो भी मैं आपको लाजमी दिखाऊंगा। एक नहीं दो नहीं चार पांच चीज़ें मैंने दिखाई हैं, अभी के लिए मुझे इजाज़त दो, कल आपको मिलूंगा, कल भी इधर हैं और इधर और चीज़ें आपको मजीद चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि राह लब्बे ना लब्बे स्पीड 190। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करो, अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।